हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल सो आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे साथ में उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे सो so दैट कि आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ हीमोग्लोबिन इज अ ऑप्शंस आर सिंपल प्रोटीन हार्मोन इंजाइम्स और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सो व्हाट इज हीमोग्लोबिन सो द करेक्ट आंसर इज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन अब देखो क्यों है ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एज वी नो दैट हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन हीम जो है दैट इज आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल और चार आयरन के मॉलिक्यूल जो होंगे दैट विल कम्बाइन विद द फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच आर नोन एज ग्लोबिन टू अल्फा चेंस ऑफ ग्लोबिन होंगी एंड टू बीटा चेंज होगी सो दे विल टूगैदर फॉर्म द हीमोग्लोबिन दैट्स वाई इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चैंबर्स ऑफ हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स जो आपका ब्लड जो है वो ऑर्गन में जाएगा या आएगा दट इज सिस्टेमिक सो द करेक्ट आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बॉडी का वहां से ब्लड हमारा पंप होता है पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए पूरी बॉडी के टीशूज के लिए तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है बट वो कहाँ से जाता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टेमिक मीन्स कि वो टिश्यूज में जाएगा क्लियर Next question is what would be the heartbeat of a person if the cardiac output is 5 liter blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml at the end of ventricular systole is 50 ml So the correct answer is 100 beats per minute अब देखिए ये आंसर कैसे निकलेगा ध्यान से सुनिएगा देखो जो कार्डियक आउटपुट है दैट इज इक्वल टू हार्ट बीट इन स्ट्रोक वॉल्यूम ठीक है ये फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है कि कार्डिक आउटपुट जो है दैट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू टू द हार्ट बीट अब देखो यहाँ आपको कार्डिक आउटपुट दी है दैट इज फाइव लीटर ठीक है ना पर मिनट तो आप क्या कर सकते हो इसको एम में भी कन्वर्ट कर सकते हो तो कार्डियक आउटपुट आपकी आ जाएगी 5000 थाउजेंड एम एल दैट इज इक्वल टू हार्ट बीट आपको नहीं दी है हार्ट बीट आपको निकालनी है इन अब आपको दिया है स्ट्रोक वॉल्यूम फॉर्मूला में ठीक है अब स्ट्रोक वॉल्यूम देखो कैसे निकालते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है देखो यहाँ पे डायास्टोल जो आपको वेंट्रिकल डायास्टोल का मतलब क्या है कि जो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं ठीक है ना रिलैक्स कर रहे हैं मतलब वेंट्रिकल जो है ब्लड से फिल हो रहे हैं एंड दैट इज हंड्रेड एम एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है फिफ्टी एम एल जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कितना ब्लड जो है रह रहा है उनके पास 50 एम तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पम्पड बाय द वेंट्रिकल्स तो वो दोनों को माइनस करके आ जाएगा 100 और 50 को माइनस करके आ जाएगा 50 एम आ गया हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी ठीक है तो अब अगर आपको हार्ट बीट निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन दिस स्ट्रोक वॉल्यूम विच इज 50 तो 5000 थाउजेंड एम एल बाय फिफ्टी हो जाएगा और वो सॉल्व करके आ जाएगा हंड्रेड बीट पर मिनट तो इस तरह से जो है हम हार्ट बीट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं क्लियर हो गया आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ आया होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा इज वॉट फाइब्रिनोजन ग्लोबुलिन प्रोथ्रोम्बिन या फिर एल्ब्यूमिन क्या है जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट है प्लाज्मा का सो द करेक्ट आंसर इज एल्ब्यूमिन देखिए प्लाज्मा में नाइंटी टू नाइन्टी टू परसेंट जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है वाटर के अलावा उसके पास प्रोटीन्स सॉल्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट है दैट इज़ एल्ब्यूमिन प्रोटीन इट इज़ सिंथसाइज बाय लिवर और ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि विच प्रोटीन हेल्प्स इन मेनटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस Yeah, which protein helps in maintaining the blood pressure? So, that is the albumin. Clear? Next question is heart sound dub is produced. Options are at the end of atrial systole, at the end of joint diastole, at the end of ventricular diastole, or at the end of ventricular diastole. सो द करेक्ट आंसर इज एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल अब देखिए दो हार्ड साउंड होती हैं लब एंड द डब ठीक है ना जो कार्डिक साइकिल है पॉइंट एट सेकेंड का वहाँ पे हमें यह देखने को मिलेगी जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है तो आती है साउंड लब एंडट इज हाई पिस्ड और जब एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब आती है साउंड डब एंड दैट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिन्यूलर वॉल्व सो दैट की जो ब्लड है वो वापिस वेंट्रिकल में ना आ जाए वेसल से दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ साउंड डब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग एलब्यूमिनस लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स लैकिंग एंटीबॉडीज एंड लैकिंग ग्लोबुल्स ठीक है ब्लड से क्या डिफरेंट है सीरम में सो करेक्ट ऑप्शन इज लैकिंग द क्लॉटिंग फैक्टर सीरम के पास एल्ब्यूमिन भी होगा एंटीबॉडीज भी होगी ग्लोबिल्स भी होगा बट उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो क्लॉट जिसकी वजह से बनता है प्रोटीन जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं दे विल बी एब्सेंट ठीक है ना दैट इज द फाइब्रीनोजन एंड द थ्रॉम्बिन ये जो प्रोटीन्स होंगी ये सीरम में एबसेंट होंगी क्लियर नाउ The next question is The opening of pulmonary vein is without the valve. Why? Because it has a small aperture, it has low blood pressure, its opening is oblique and none of the above. So, write down the correct answer pulmonary vein. Jo hai, वेन्स में नॉर्मली वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ठीक है करेक्ट ऑप्शन इज इट्स ओपनिंग इज ओब्लिक, ठीक है ना अब ध्यान से सुनो देखो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि जो वॉल्व हैं, दे आर प्रेजेंट इन जनरली इन वेन्स आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते सो बट एक्सेप्शन इज पलमरी वेन उसमें वॉल्व क्यों प्रेजेंट नहीं है बिकॉज इसकी जो ओपनिंग है वो ऑलरेडी ओब्लिक है वहाँ पर हमें वॉल्व की जरूरत नहीं है वॉल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं टू रेगुलेट द ब्लड फ्लो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पी एच ऑफ ब्लड इज पीएच ब्लड का कहां पे कैसे होगा मोर इन वेन्स एंड लेस इन आर्टरीज मोर इन आर्टरीज एंड लेस इन वेन्स सेम इन आर्टरीज एंड वेन्स डिफरेंट इन डिफरेंट ब्लड वेसल्स द करेक्ट ऑप्शन इज मोर इन आर्टरीज एंड लेस विल बी इन वेन्स अब देखो एज वी नो कि आर्टरीज में ऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पी एच में दोनों के बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बट आर्टरी में जो ब्लड का पी एच है दैट इज सेवन पॉइंट फोर जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं वेंस में हल्का सा लेस होता है एंड दैट इज सेवन पॉइंट थ्री सिक्स एज वी में डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है दैट्स वाई पी एच इज लिटिल बिट लेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू आर एच फैक्टर आकर्स वेन द मदर इज आर एच नेगेटिव एंड फीटस इज आर एच पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव एंड फीटस इज आर एच नेगेटिव बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव ठीक है आर एच फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो so, कॉम्प्लिकेशंस कब आती हैं व्हेन द मदर इज़ आर एच नेगेटिव एंड द फीटस इज़ आर एच पॉजिटिव अगर ये सिचुएशन है फर्स्ट चाइल्ड के टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी बट सेकेंड चाइल्ड के टाइम पे दे बी हार्म एंड इट लीड्स टू अ डिजीज नोन एज अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बिकॉज अगर फीटस आरएच पॉजिटिव है तो डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा फर्स्ट चाइल्ड की कि कुछ एक जो एंटीबॉडीज़ हैं उसकी वो पास हो जाएंगी और मदर के कांटेक्ट में आ जाती हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईसीजी क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स और द रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ईसीजी की अगर हम वेव्स देखें तो एक पी आएगी देन क्यू आर एस और देन टी तो वॉट दिस क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स डी पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स देखो ई सी जी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ठीक है ना तो जो पी वेव है दैट रिप्रेजेंट डी पोलराइजेशन ऑफ एट्रिया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डी पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड द टी वेव्स जो है इट विल रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल सो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई सी जी में जो याद रखने वाले हैं कि पी वेव और टी वे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड पंप्ड बाई राइट वेंट्रिकल एंटर कहा जाता है वो राइट right वेंट्रिकल जो पंप करता है दैट विल गो इन टू अ पलमनरी वेन पलमनरी आर्ट्री डॉर्सल ऑटा और नन ऑफ द एब सो द करेक्ट ऑप्शन इज पल्बनरी आर्टरी एज वी ऑल नो की जो राइट साइड आती है हार्ट की इट हैज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले वो राइट एट्री में कलेक्ट होगा फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ पलमेनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर्स टू द लंग्स टू प्यूरिफिकेशन ठीक है ना सो so, कौन कैरी करेगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इट इज दलमनरी आर्ट्री Next question is which of the following statement is correct regarding the blood pressure? Options are 100 by 55 mmHg is an idle BP, 100 by 5, 105 by 50 mmHg makes ones very active, 190 by 110 mmHg may harm vital organs, and 130 by 90 mmHg is considered as high and required treatment. So the correct answer is हंड्रेड नाइन्टी बाय हंड्रेड एंड टेन एम एम एच डी मे हार्म द वाइटल ऑर्गन्स नाउ सी जो आइडल बी पी है जो नॉर्मल बी पी है दैट इज़ हंड्रेड ट्वेंटी बाई एटी ठीक है अब अगर किसी पर्सन का जो बी पी है वो हंड्रेड ट्वेंटी बाई एटी से ज़्यादा है बट कितना ज़्यादा दैट इज़ वन फोर्टी अगर सिस्टोलिक है और मोर देन नाइन्टी अगर डायस्टोलिक है उसको हम कहते हैं हाई बी पी वन फोर्टी बाई नाइंटी इससे ऊपर अगर किसी का है दैट रिक्वायर द ट्रीटमेंट इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट्स कहारिजिनेट होती है हार्ट बीट की इम्पल्स एसे नोड एवी नोड वेगस नर्व और द कार्डिय नर्व सो देक्ट आंसर इज ऑप्शन एस ए नोड एस ए नोड इज साइनो नोड ठीक है इसको हम भी कहते हैं इट इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम राइट इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम और एस ए नोड हैज द पावर टू इनिशिएट द हार्ट इम्पल्स ठीक है ना वहां पे डीपोलराइजेशन होती है सोडियम so, जो है वो एंटर करते हैं और इम्पल्स इनिशिएट होती है देन इट इज़ पास टू द एवी नोड देन टू पुरकिंज फाइबर और इस तरह से वो फिर वेंट्रिकल्स में भी शिफ्ट हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल्स आर कौन से हैं यूसाइनोफिल्स और द लिम्फोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स एंड ईयोसाइनोफिल्स लिम्फोसाइट्स एंड द मैक्रोफेजेस नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स अगर हम वाइट ब्लड सेल्स और जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनका देखें अगर डिवीजन दे आर ग्रेन्यूलोसाइट्स और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं दे आर न्यूट्रोफिल्स योसाइनोफिल्स एंड बेसोफिल्स और जो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं दे आर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स ठीक है ना तो फैगोसैटिक एक्शन किसका रहता है ट आर द न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबेंडेंट जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं एंड देन मोनोसाइड लार्जेस्ट इन साइज होते हैं ठीक है ना दे एक्ट एज द फेगोसिटिक सेल न्यू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू पैरासिफेथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट दे रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट इज इंक्रीज विदाउट अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट बोथ इंक्रीजेज और द हार्ट रेट डिक्रीजेज और कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस सो द करेक्ट ऑप्शन इज कि जो पैरासिम्पथैटिक न्यूरल सिग्नल्स हैं वो रिड्यूस करेंगे हार्ट रेट को भी और कार्डियट आउटपुट को भी एक्चुअली जो पैरासिम्पथैटिक नर्व सिग्नल्स हैं वो रिलैक्सेशन का सिग्नल देते हैं और वो जो हैं इन चीज़ों को रिलैक्स करेंगे ठीक है ना सो so, बाकी जितनी भी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हैं मेन फंक्शन इनका है इट रिड्यूसेज द हार्ट रेट एज वेल एज द कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट आपको पता है और कार्डियक आउटपुट अभी अपने पीछे क्वेश्चन में किया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कार्डियक आउटपुट दैट इज हार्ट रेट इन टू द स्ट्रोक वॉल्यूम नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज नो डी एन ए इन कहाँ पे आपको डी एन ए देखने को नहीं मिलेगा सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज़ द मैच्योर आर आपको पता है मैच्योर आर में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता ना कोई ऑर्गेनैली प्रेजेंट होते हैं एक आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा ई न्यूक्लिएटेड ओवम इसमें भी न्यूक्लियस नहीं है बट अगर हम ओवम का न्यूक्लियस निकालते हैं तो इट स्टिल हैव द माइटोकोन्ड्रिया और आपको पता है माइटोकिया इज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनैली बट जो आर बी सी है उसके पास माइटोकोन्ड्रिया भी नहीं होते दैट मीन्स इट हैव नो डी एन ए सो दैट इज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चन होप यू लाइक द वीडियो